नमस्कार टुडेज विग न्यूज को स्वागत करुच्छे मुस्तांशु। एबे डेंगू परे राज्य रे चिंता बढ़ेलानी स्क्रब टाइफस। गाँ गाँ रे घातक साजिछि स्क्रब टाइफस। ए रोगर लक्षण हेउछि ज्वर लागि रहिबो। साधारणतः गाँ गंडारे एही ज्वर अधिक व्यापुथिबा वर्तमान देखिबाकु मिलुछि। बरगढ़, नवरंगपुर और सुंदरगढ़ रे मध्य ए रोग वर्तमान व्यापिबारे लागिछि। केन्दुझरु अधिक मामला सामनाकु आसुची वर्तमान समय रे। भीमसार रे वर्तमान सुधा 30 रोगी चिकित्सा पई आसीथिबा जणा पडिछि। एमिति कि कीट आक्रमण रे लोकंकर मृत्यु होथिबार मध्य अभिजोग आसिलानी। एथिरे आक्रांत होई बरगढ़ रे 5 रोगींकर मृत्यु होइथिबा सूचना मिलिछि। चिगर्स नामक कीट कामुडीले होइथाय ए स्क्रब टाइफस। आउ एहा द्वारा ज्वर हुए आउ ज्वर न कमिले या शरीर पई घातक भी होई पारे। वर्षा दिन रे यहा व्यापीबार संभावना अधिक। साधारणत तो जुलाई रु नवंबर मास रे स्क्रब टाइफस संक्रमण देखिबे को मिलिथाय। चिगर्स नामक कीट कामुडीबा द्वारा लोकंक शरीर रे संक्रमण होइथाय। सर्वसाधारण पोखरी बिल ओ जंगल को जाउथिबा लोक क क्षेत्र रे यहा अधिक मात्रा रे या देखिबा को मिलिथाय। विशेष करी छोट पिला मानंकु एई स्क्रब टाइफस अधिक मात्रा रे आक्रांत करिथाय। याकु नै आज हम नजर पकाइबा टुडेज बिग न्यूज रे मारिलाणी स्क्रब टाइफस। जीवन नेउछि पोको म्यालेरिया डेंगू परे बे स्क्रब टाइफस ओडिसा रे डराइबा को आरंभ होलाणी। राज्यर विभिन्न जिल्लारु एथिरे आक्रांत हेउथिबा रोगी चिन्हट हेउछन्ति। एमिति कि कीट आक्रमण रे लोकंकर मृत्यु होइथिबा अभिजोग आसिलाणी। गाँ गाँ रे घातक साजिछि स्क्रब टाइफस। एक कीट द्वारा आक्रांत हुई बरगड़ ने 5 जन रोगी मृत्यु होता सूचना मिली। चिरकस नामक कीट कामुड़े होता है स्क्रब टाइफस। आद्वारा ज्वर हुए आ्वर न कमिले यह शरीर पर घातक भी हो पारे। वर्षा दिन में यह व्यापार संभावना अधिक थाए। सारा राज्य में एवं एक नुआ ज्वर स्क्रब टाइफस सामना को आसी। ओडिशा समेत सारा देश में यह ज्वर बापुची। साधारणतः गाँ गटारे यह ज्वर अधिक व्यापुवा देखा मिली। बरगढ़, नवरंगपुर और सुंदरगढ़ में रोग व्यापुची। केन्दुझर अधिक मामला सामना को आसी। भीमसारे वर्तमान सुधा 30 रोगी चिकित्सा पई आसीथिबा जणापड़ी। एक कीट द्वारा आक्रांत हो 5 जन रोगी मृत्यु होता सूचना मिली। स्क्रब टाइफस कौन? कीट कामुड़ी प्राण जाऊँगी। चिरकस नामक कीट कामुड़े होता है स्क्रब टाइफस। वर्षा हेले चिरकस कीट अधिक व्यापी था। बिल व जंगल को गले स्क्रब टाइफस संभावना अधिक। स्क्रब टाइफस प्रभाव शरीर में 10 रु 12 दिन जाए रही था। ज्वर अधिक दिन रही शरीर में गंभीर लक्षण देखाई। अगस्ट सेप्टेम्बर होता है सर्वाधिक संक्रमण। स्क्रब टाइफस मृत्यु देशर शीर्ष तृतीय स्थान रे ओडिशा। साधारणत जुलाई रु नवंबर मास रे स्क्रब टाइफस संक्रमण देखा मिलता है। स्थल विशेष रे डिसेंबर पर्यंत माड़ी थाए। चिरकस नामक एक कीट कामुड़ द्वारा लोकों शरीर में संक्रमण आरंभ होता है। सर्वसाधारण पोखरी बिल और जंगल को जाता लोक आक्रांत होता। पूर्व ओडिशा रे स्क्रब टाइफस देखा मिलता बेले विगत किसी वर्ष होब ए संख्यार लोक आक्रांत होती। वयस्कों तुलन में छोट पिला अधिक आक्रांत होती। केवल जे ग्रामांचल संक्रमण होता नुहे बर राजधानी भुवनेश्वर में संक्रमण होता विशेषज्ञ मैंने दर्शाई। स्क्रब टाइफस आक्रांत व्यक्ति शरीर में तीव्र ज्वर सांग को तलेपेटे जंत्रणा निश्वास प्रश्वास समस्या देखाई थाए। जो स्थान को कीट कामुड़ी थाए से स्थान चर्म मृत हो जाए जहाँ एश्चर भाव में बेचना कर एक विस्तृत रिपोर्ट रे प्रकाश पाई 2014 मसरे हठात राज्य में बहुत संख्या स्क्रब टाइफस आक्रांत व्यक्ति को चिन्हट कर। भुवनेश्वर अंचल 25 जन शिशु
किम्स हस्पिटा भर्ती होते 2011 और 2020 मसीहा मध्य ओडिशा केवल 798 जन आक्रांत मारी देश में स्कॉप टाइफस भिन्न भिन्न वर्ष मृत्यु राजस्थान शीर्ष में रोकता बेले ओडिशा द्वितीय और तमिलनाडु रही मात्र नियमित भाव उत्तर पूर्व भारत राज्य में आक्रांत संख्या और मृत्यु शीर्ष रही गवेषक मैंने दर्शाई तेज स्क्रब टाइफस मृत्यु पक्षर प्रमुख कारण रही रोग को विलंबरे चिन्हट भूल डायग्नोसिस और ड्रग रेजिस्टेंस अनेक रोगी मृत चर्म वेश्वर देखा न मिलवा रोगर विलंबित चिन्हटर अन्यतम कारण तेणु एभली लक्षण देखागले तुरंत डाक्तरों परामर्श करतु रोग चिन्हट चिकित्सा सहज साधारण आंटीबायोटिक भी काम देव ज्वर न कमिले तुरंत परीक्षा करातु साधारण वर्षा दिन ही स्क्रब टाइफस व्यापार संभावना अधिक रही कारण यह गरम कि शीत दिन में लार्भा जीवित रही तेणु वर्षा दिन में बाहर को जवाबे सवधान रुंतु रिपोर्ट एमवीसी टीवी। स्क्रब टाइफस जो हिसाब से संक्रमित होगा लगी विशेषकर बरगढ़ नवरंगपुर सुंदरगढ़ एवं केन्दुझर जिले में यह रोग अधिक मात्रा रे व्यापुवार नजर को सामना को आसला जहाँ सूचना रोचे जहाँ आसूची अभियोग बरगढ़ स्क्रब टाइफस रोग से पांच जन मृत्यु होना सामना को आसुच्छे तेरे एक क्षेत्र में जिला प्रशासन अधिक तदंत चलाई वास्तव में स्क्रब टाइफस जो ये मृत्यु घटी ना कौ कारण नहीं चली कारण किंतु अभियोग आसुच्छी स्क्रब टाइफस जो ही बरगढ़ में पांच जन मृत्यु घटला स्क्रब टाइफस को नहीं कौन रही स्थिति सीधा सख आम जा बरगढ़ जिला बरगढ़ जिले आम प्रतिनिधि चित्तरंजन साहू अच्छा सविशेष तथ्य नवा कितु वर्तमान समय डेंगू मलेरिया एभली स्थित स्क्रब टाइफस निश्चय भाव में राज्यवासी को वर्तमान चिंतार पकड़ गोटे कीटर आक्रमण द्वारा एभली गोटे रोग व्यापुवार नजीर सामना को आसुच्ची ए रोग बा स्क्रब टाइफस नुआ नुहे विगत वर्ष मानक ये रोग देखा मिलता आम राज्य तेज स्क्रब टाइफस जो जिते वर्तमान समय कहा जाऊँ बरगढ़ में पांच जन मृत्यु घटे निश्चय भाव यह चिंताजनक परिस्थित वर्तमान सृष्टि करुच्च स्क्रब टाइफस को लेकिन लोके सचेतन अच्छा नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होना स्क्रब टाइफस को लेकिन जो भाव में संक्रमण बढ़ुची दिनक दिन विशेषकर छोट छोट पा अधिक संक्रमित हो नजीर सामना को आसुच्छे तेणु यह दृष्टि देखिले स्क्रब टाइफस को लेकिन लोके दूर सचेतन अच्छा जिला प्रशासन हो जिला स्वास्थ्य क्षेत्र में एक दिग्क के गुरुत्व दिया प्रश्नवाद सृष्टि होना गोटे कीट कामुड़ा द्वारा एभली स्थिति राज्य में बर्तमान देखा मिलला विशेषकर बरगढ़ जिला नवरंगपुर जिला सुंदरगढ़ जिला और केन्दुझर जिले में यह रोग अधिक मात्रा व्यापुची आम सीधा सख जा बरगढ़ जिला आम प्रतिनिधि अच्छा चित्तरंजन साहू अच्छा आम सहित बरगढ़ चित्तरंजन वास्तव में यू स्क्रब टाइफस रोग देखा मिली जो को लेकिन वर्तमान संक्रमण बढ़िवार लगी केवल बरगढ़ जिले में वर्तमान सुधा पांच जन मृत्यु होता अभियोग आसुच्छे वास्तव में स्क्रब टाइफस को लेकिन कौन रही आपके सूचना बरगढ़ जिले में देखिए बरगढ़ जिले जो स्क्रब टाइफस जोर से प्रसार प्रचार चली जोटा कि बरगढ़ जिलार बरपाली फटीटा गांव रु जो लोकंर मृत्यु होता सूचना मिली किंतु यही प्रशासन तरफ जो प्रकार के प्रचार प्रसार करार कथा कि सचेतन कार्यक्रम मान कर सचेतन करता नागरिक मान को तेज विशेषकर भावुंत चित्तरंजन की लोक मैंने सचेतन नहांती ए कीट प्रति जो कीटटी कामुड़ा द्वारा स्क्रब टाइफस रोग हो कीट प्रति लोक सचेतन नहांती बोध हुए बरगढ़ जिले में विशेषकर ना से अंचल स्थिति सेमिति अच्छी वर्तमान समय देखु यहीटा जो प्रकार रे जो कीट मानने अति छोट भाया दिशुच कामुड़ी दे लोक मरी जाऊँगा गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस जोटा प्रशासन तरफ स्वास्थ्य विभाग तरफ रूप जो पांच जन आक्रांत होता बोले जड़े जन मृत्यु
बरगढ़ जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग तरफ तत्परता देखा दे आमे आसी पहुंची बरगढ़ जिला बरपाली स्वास्थ्य केंद्र रे एवं आमे सीधा पचारि बुझिबा जो आमर विभागीय अधिकारी माने अछंती आसीगे आमर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अछंती ताकु बुझि पचारिबा जे एई कीट को प्रकार रे औ केमिते चाबिले लोकते रोगाक्रांत होछंती एवं जेहेतु बरपाली ब्लॉक रे भटिका ग्राम रे जणकर मृत्यु घटि जाय छे ता उपरे आमे पुंखानुपुंख भाव रे बरपाली मुख्य चिकित्सालय रो जो अधिकारी अछंती जो इंचार्ज अछंती तांको बुझि पचारिबा राजेश पहरान को मृत्यु बुला चिकित्सा अवस्था मृत्यु आउ दु जन भी रोगी चिन्ह सब चिकित्सा पर भल स्क्रब टाइपस गोटे ज्वर जो आर्थकोड संधिपत प्राणी मानते कामुड़ा ज्वर हुए कामुड़ प्रथम सप्ताह चिकित्सा असुविधा विभिन्न प्रकार अंग प्रत्यंग कष्ट करते मैं मनुष्य मृत्यु हमारे संभावना अच्छा जो जीवन जनित रोग कीट कामुड़ा द्वारा स्पेशली जो चाष समय मैं पला दवा पला खींचा समय चाष काटा जो अमल करवा समय से पड़िया मैंने जो चाष पड़िया माँ मैंने हूँ कि चाषी मैंने हूँ कीट कामुड़ा द्वारा से रोग हुए तार जो आरंभ तार घर सरकारी मेडिकल को आसपारा मेडिकल तार रोग निरूपण हो पार से रोग निरूपण बर्तमान सुधा बरगढ़ जिले केवल बरगड़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रे तार निरूपण हो पड़े और आम जब सन्देह कल आम तर सांपल पठे सांपल पठे जब पजिटिव आसा तार डॉक्सीसाइक्लिन गोटे एंटीबायोटिक पांच दिन सात दिन खाइब शहे पावर डॉक्सीसाइक्लिन गोटे से जो रोग भल हो जीवाणु मरीज आदि ज्वर आसूँ पारास्टमल पटिका सहित गैस्ट्रिक पटिका होगा रोगी कौन प्रकार असुविधा हाँ उचित समय चिकित्सा न कराला तबे कौन प्रशासन पक्ष कौन सब व्यवस्था ग्रहण करंजन बास्तव जेहेतु बरगढ़ जिले में ये रोग बेस व्यापू थजर सामना को आसुची चित्तरंजन कौन प्रशासन पक्ष दिगरे पदक्षेप ग्रहण कर देखा जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग तरफ जो प्रचार प्रसार कर सठिक भाव में हो पार नहीं जहाँकि रोग आक्रांत होबार लगी प्रकार बरपाली आज प्रथम थे जड़े जो यही रोग से आक्रांत हो मरी जा कौन रही प्रकार स्वास्थ्य विभाग तरफ प्रचार प्रसार कर सीधा सड़क आम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पचार बुझा कल मंथली रिव्यू मीटिंग मैंने सीडीएम सारे चेयरमैन सहित आम आज आम सब प्रकार मानते ब्लक स्तर आरंभ कर पंचायत स्तर ग्राम स्तर भी आम तार प्रचार कर समस्त स्वास्थ्यकर्मी एएनएम दीदी आम फ्रंटलाइन वर्कर अंगनवाड़ी दीदी आम आशा दीदी जदि अंचल कौन ज्वर रोगी अच्छा शीघ्र सरकार मेडिकल को आने तार रक्त नमूना आम पठे तार जहाँ चिकित्सा व्यवस्था करूँ एटा जिला स्तर आरंभ कर ब्लक स्तर भी सीडीएम सारे तत्वधान कहे सब फ्रंटलाइन वर्कर मानते हैं एरिया अंचल जो मानते जितकी सब रोगी मैं ज्वर जनित रोगी अच्छे शीघ्र सरकार मेडिकल को आने रोग निरूपण कर चिकित्सा भी कर मुख्य चिकित्सा कहवा अनुसार जो आशाकर्मी हौ कि अंगनवाड़ी हौ समस्त प्रचार प्रसार कार्यक्रम जिला स्वास्थ्य विभाग तरफ लगे दि जाएगी लोके चिकित्सा एवं ब्लड टेस्ट अनुसार को प्रकार रे चिकित्सा करा सचेतन करवाई विभिन्न पंचायत विभिन्न आशाकर्मी और अंगनवाड़ी कर्मी मानू सूचना दि जाएगी।
धन्यवाद देवी चित्तरंजन आपंकर सूचना पाई इथिले चित्तरंजन साहू थिले आमर बरगढ़ जिला प्रतिनिधि किबळ हाबरे बरगढ़ रे वर्तमान स्क्रब टाइफस ए संक्रमण व्यापीबार लागिछि जहा फल वर्तमान जणंकर मृत्यु होइ सालेनि पांच जण पाखाबे आक्रांत होइथिबार सूचना रहिछि एवं प्रशासन पक्षरु समस्त दिगकु गुरुत्व दे जाइछि एवं जहा कहले आशा कर्मी माने एमाने लोकंकु वर्तमान सचेतन करछन्दे एभली गोटिए जो कीट आसी जार कामुड़ा द्वारा एभली गोटे रोग व्यापुची ताकु नहीं लोक मानक सचेतन करवा नहीं बरगढ़ जिला प्रशासन गुरुत्व देवा आरंभ कर मोस्त बर्तमान अच्छा डॉक्टर सुब्रत कुमार माझी अच्छा आम सहित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माझी आपको स्वागत करुच्ची आज बिग न्यूज को जो स्क्रब टाइफस को नहीं आज आलोचना करुचे ये स्क्रब टाइफस वर्तमान राज्यर किसी जिले व्यापीबारे लागिलानि बा एकु नै अधिकरु अधिक लोक संक्रमित हेबार लागिछन्ति विशेषकर छोट छोट पिला माने अधिकरु अधिक संक्रमित होउछन्ति एई स्क्रब टाइफस रोग को नेकि वास्तवरे एई स्क्रब टाइफस रो केते रहुछि तार गुरुत्व केते भयभावता रहुछि एई रोग को नेकि जदि आमे कहिबा स्क्रब टाइफस कथा स्क्रब टाइफस मातिबाटा एबे एबर रिसेंट घटना नहो एबे जस्ट आरंभ होछि से नहो एबे लोकलोचन को आसीछि स्क्रब टाइफसटा आम जदि आम कह सेंट्रल हॉस्पिटल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बड़ बड़ हॉस्पिटल क्या कह आम लास्ट दुई तीन वर्ष है से कंडीशन देखु आसु जो समय आम आगु कोरोना कोरोना सब देखुले बट कोरोना भितर ये सब रोगी गुड़ाक लुचि जाते विषय में आम डिस्कसन हो नाला बट यहाँ से भी थी दुई तीन वर्ष तले भी थी मेन प्रॉब्लम आम जापार नुले एथपाई कारण डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जोड़ा स्क्रब टाइफस अवेयरनेस आम बहुत जनकर नाला सेकेंड हूँ बहुत जगह पेरिफेरल एरिया गोटे हॉस्पिटल गुड़ाक पेरिफेरल एरिया डायग्नोस्टिक सेंटर गुड़ाक स्क्रब टाइफस डायग्नोस्टिक किट नाला प्रथम कथ द्वित हूँ आम अवेयरनेस नाला कि आम कौन देखिए डायग्नोसीस करवा कारण यहाँ गोटे अनकमन डिज यहाँ ये बहुत कमन डिज नाला बहुत रेयर डिज हिसाब से कनसीडर कराला एवं जेहतु व्यापू टे चारे व्यापिला अवेयरनेस भी बढ़ला तेणु आम स्क्रब टाइफस विषय में जानवाक पाच अदरवाइज यहाँ थी दुई तीन वर्ष तले आज जदि रही कह को जगार कौन पाई हुए यहाँ माने आम जी कहे को एरिया बर्तमान विशेष करके देखुचे बरगढ़ नवरंगपुर सुंदरगढ़ केन्दुझर यह सब जिले में बर्तमान स्क्रब टाइफस रोग बेसी मात्रा रे सामना को आसला जिला गुड़िक कौन पाई कौन पाई आप देखो ये जो जिला गुड़ा आप कहे से जंगल एरिया बहुत अधिका जो जो एरिया क्या कहते कारण से जो जंगल एरिया बहुत अधिका से जगार से जो आम जो आम कह टिंक जो टिंक कामुड़े जो रोगटा हुए गोटे कीट कामुड़े जोड़ा हुए उकुनी टाइप रोड छोटे टिंक जमी चिगर्स नामक कीट बोली कुआ चिगर्स माने चिगर्टा होची तारो जो लार्वाटा ओके से कीटर से लार्वाटा होची चिगर्स जोडा तो से पर्टिकुलरली से लार्वाटा कामुडले से रोगटा हुए तो से जो जो टिंकटा जोटा हमको जो बणुआ मूसा थाए तो से बणुआ मूसा देह से जो आम जो एटा गोटे बैक्टेरियल डिजीज गोटे बैक्टेरिया हुए एटा जो जो से बैक्टेरिया ना होची ओरिएंटा सुसुगा मुसी से बैक्टेरिया नाटा से बैक्टेरिया मोस्टली से बणुआ मूसा देह थाए से जो कीटा बणुआ मूसा देह काटला जो जो बैक्टेरिया बणुआ मूसा देह भी रहे प्लस से टिंक जो जो कीटा जो देह भी रहे तो पर्टिकुलरली से जो कीट कौटू पाए से मैं बणुआ मूसा को कामुड़ा देह को से कीटा आसे तार लार्वाटा जो मनुष्य को काटे से मनुष्य देह को बैक्टेरिया आसे जिते आम किसी कारण बहुत समय किसी जंगल एरिया को जाई आईदर जदि जंगल एरिया रोकवा लोक जंगल को जाइंट पिकनिक करने बुलाई जाइंट किसी कैंपिंग जाइंट कि कारण हो आम जब जंगल एरिया को जाइु से प्रादुर्भाव तो अधिका था जो कम जो टिंकटा तार प्लस तार चिगर्स जोटा तार प्रादुर्भाव अधिका थाए से जो रोगटा व्यापे तो मोस्टली जंगल एरिया से सेटा आगर भी थिला बट एते डायग्नोस्टिक्स न होनो थिला एबे हम जानु छु सेटा ए डायग्नोस्टिक पर ही स्पष्ट जणा पडुछि एभली गोटे रोग बा एभली गोटे संक्रमण व्यापुछि मु फेरिबी डॉक्टर माझी आपन पाखु वर्तमान मोस्त अछंती बर्ग हमर नवरंगपुर जिला उमरकोट प्रतिनिधि हमस्त अछंती राजेश सावत राजेश जो देखिबा जो हिसाब रे ए जो स्क्रब टाइफस नामक रोग वर्तमान सामना को आसुछि गोटे जहाँ को आम कहते डॉक्टर माझी की टिंकर जो लाभा फल गोटे रोग वर्तमान व्यापुच विशेषकर जंगल एरिया रे ए रोग ब्यासी मात्र व्यापुची तेरे जो स्क्रब टाइफस को लेकिन जहाँ आसला नवरंगपुर जिले में मध्य अधिक रु अधिक आक्रांत है ये रोग को लेकिन जिला प्रशासन पक्षर केते दूर लोक सचेतन करमण रु दूरे रही कीट बा जो टिंक अच्छा जहाद्वारा ये रोगटी बर्तमान व्यापुची ताठू दूरे रही केते दूर प्रशासन पक्षर पदक्षेप ग्रहण करा लोकों को सचेतन करा राजेश देखो सुधांशु जो कही पार
नवरंगपुर जिले में प्रथम थर पाई जो चिन्ह चिन्हटा जिला स्वास्थ्य विभाग तरफ रू बहुत किसी सचेतनतार बार्ता जन दिखाई रोग टी बर्तमान चाष समय चाषी तार अमल करने समय जमी रे बंद पानी रे से स्क्रब टाइप आसी थाए उपात अंचल प्राय लोक बंदरी जाती तेज प्रशासन पक्ष लोक सचेतन बर्तमान करोटे जो कीट बोली कहचे से दूरे रही जो संक्रमण दूरे रहा कौन सब पदक्षेप ग्रहण कर नजर को आसला बरगढ़ जिला नवरंगपुर जिले में देखो प्रशासन तरफ जहाँ नवरंगपुर जिले तो गोटे चिन्ह स्टेडियम सह करने सचेतनतार बार्ता जिलार दस दस गोटी ब्लक सब स्वास्थ्य केन्द्र डॉक्टर फार्मासी समस्त खबर दि जाए धन्यवाद देवी राजेश आप सूचना राजेश सावत आम थे नवरंगपुर जिला उमरकोट रू कि भाव में जिला प्रशासन पक्षर स्वास्थ्य विभाग प्रशासन पक्षर सचेतन करा जाउछि वर्तमान समय कारण नवरंगपुर जिले में मध्य ए रोग सामना को आसिलानी वर्तमान समय तेणु किभ भाव में लोक मैंने रोग संक्रमण दूरे रही पारे निजक बंचे रखिपर से नहीं सचेतन प्रक्रिया आरंभ कले मोस्त अच्छा डॉक्टर सुब्रत कुमार माझी अच्छा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माझी तो देखा कहुची ये जो स्क्रब टाइफस ज्वर हुए गोटे साधारण लोकटे केमी जानव ये स्क्रब टाइफस कारण नॉर्मल वर्तमान समय जेतु वर्षा होउची पाग परिवर्तन होउची प्रायत भावती कि ज्वर हेले ये वायरल फीवर हो पारे तेणु कौन सब लक्षण से देखिले जानवे ना आम देह स्क्रब टाइफस वर्तमान संक्रमित होकर निजक परीक्षा करेंगे कौन सब लक्षण रु जनापड़ब स्क्रब टाइफस हो देह विशेषकर आम देखा जमीक स्क्रब टाइफस लक्षण गुडा देखा हाँ किसी मात्रा से जो ब्रेन मेलेरिया जो फैल्सिपेल मेलेरिया आगुरी जो होता सहित किसी सामंजस्य अच्छी माने जमीक प्रथम ज्वर हम देह थरिकी भी ज्वर हुए बड़ी सीभियर बड़ी पेन मैं देह सारा पूरा गोड़ हाथ जोर पेन हो पाए सहित मल्टी अर्गन इनवल्वमेंट मैंने देहर सांगे सांगे सब बहुत रैपिडली डेटेरेसन हुए पाने पूरा होल बॉडी रो मल्टीपल सिस्टम इनवॉल्व हो जाए माने लंग्स इनवॉल्व हो जाए हार्ट भी इनवॉल्व हो जाए माने मायोकार्डाइटिस हो जाए माने हार्ट पंप करिया कमे दिए माने हार्ट पंपिंग कैपेसिटी कमी जाए ता सहित गोड़ हाथ सीवियर पेन हम लिवर को इफेक्ट कर पारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर पारे ब्रेन को भी इफेक्ट कर पारे जने लोक कोमा को भी चली जाई पारंती ए टाइप रे भी हेई पारे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन आ ओइटा भितरे फरक होउची कि वायरल इन्फेक्शन टा फीवर हाई ग्रेड हेले भी लोक बहुत शीघ्र रैपिडली डेटरेशन करते बहुत शीघ्र डाउनवर्ड फॉल हो जाए मैंने बहुत खराब कंडीशन को पल जाती सेमती हुए नहीं बहुत शीघ्र खराब कंडीशन को जापारे पाने सब बड़ लक्षण देखा पड़े कि तरह गोटे इच्चार फर्मेसन गोटे हुए मैंने जो जगार से टिंकटा कामुड़ी थाए से जगार गोटे स्प्रेड हो जाए गोटे छोट घा भी हो स्प फर्मेसन हो गोटे पर्टिकुलर गोटे छोट बड़ आप स्क्रीन में भी देखते किसी जमी चिन्ह चिन्ह देखी पार्थ से चिन्ह टाइप गोटे कौन तक स्टार फर्मेसन कहते गोटे देखा पाइबे आप जब खोजे देह कौटि ना कौट प्राय ये जगह आप मोस्ट प्राय 90% केसेस पाइबे बहुत जगह आम पाऊ ना कारण से प्रपर्ली डेवलप हो न था बट प्राय जगह जो जगह से टिंकटा कामुड़ी थाए से कीटटा कामुड़ी थाए से जगह से प्राय तो सहीटा देखने प्राय 100% डायग्नोस्टिक प्राय यहाँ ही सेकेंड हूँ जितेबले कि आम सस्पेक्ट कले कि बहुत शीघ्र तार खराब कंडीशन को जाऊँच पेसेंट बहुत रैपिडली डेटोरेट कर जो हिसाब से ट्रीटमेंट दौ हिसाब से फल मिलूना से समय सांगे सांगे डायग्नोस्टिक्स मैं डायग्नोसीस करने ब्लड पठे था कारण तार ट्रीटमेंट हूँ स्पेसीफिक आपड़ जिते बड़ एंटीबायोटिक दिंतु पर्टिकुलाली से स्पेसीफिक ट्रीटमेंट बहुत बहुत जहाँ तार ट्रीटमेंटा बहुत चिप बहुत कस्टली नुह कि न मिल जाए से सुस्थ हे ना जो स्क्रब टाइफस जो व्यवस्था अच्छी ट्रीटमेंट रो चिकित्सा प्रणाली अच्छी जो मेडिसिन अच्छी केवल से ही बाटर ही गले आम स्क्रब टाइफस रु निजी मुकुले पारा जदि से रोग से पड़ था नहीं संक्रमित होता मुझे विषय अधिक चाहिए आपंठ कौन मेडिसिन व्यवस्था अच्छी स्क्रब टाइफस कि भाव में चिकित्सा मानक व्यवस्था उपलब्ध अच्छी से विषय अधिक जानी पुणी थे जी मो सहित अच्छा नवरंगपुर जिला प्रतिनिधि अच्छा बर्तमान मो सहित आदित्य अच्छा नवरंगपुर जिलार आदित्य साहू अच्छा मो सहित आदित्य
टिके पूर्वर जहाँ राजेश सावत को सह आलोचना करूँ आम नवरंगपुर जिलार स्थित को लेकिन तेज नवरंगपुर जिले में जो वर्तमान समय देखा दौर स्क्रब टाइफस रोग ये स्क्रब टाइफस को लेकिन जहाँ भी आम देखुचे वर्तमान समय जो जिला क्षेत्र जो डाक्तरखाना अच्छी बा जो गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र हो से सब जगार जदि कौन रोगी आसुचार जो मैंने स्क्रब टाइफस रे संक्रमित होती से मानी कौन स्वतंत्र किसी व्यवस्था कर जिला जो जिलार जो अच्छी मुख्य डाक्तरखाना देखो जेहेतु नवरंगपुर एक आदिवासी अधिकृत जिला जोटा कि नवरंगपुर जिले में विभिन्न समय देखुए मानते जंगल परिपूर्ण अवस्था रही जार फल जो मानने टाइफाणुटा जो मानते व्यापुची विभिन्न समय गणमाध्यम चर्चा होता कि आम जब कह नवरंगपुर जिले जो कथ कह नवरंगपुर जिले में किसी दिन पूर्व दुई रु तीन जन आक्रांत होते कि बर्तमान सुस्थ होती साधारण देखा जमी रे जंगल रे पक्षी रे विभिन्न समय रे ए जाको कीटाणु देखा मिलती कि देखिए नवरंगपुर भाई एक आदिवासी अधिसूचित अंचल जो माँ मान जमी को जाते कि दात खाड़ी एवं पत्र पाई संग्रह करने को से कीटाणु चुबई थी जहाँ फल ज्वर ही ज्वर हवा सहित ज्वर छाड़ न था जहाँ फल से जदि स्वास्थ्य विभाग बा नवरंगपुर मुख्य मेडिकल को जाकिना से ट्रीटमेंट व्यवस्था यहाँ पे एक स्वतंत्र कर गुरुतर अवस्था न रही तुरंत जदि मेडिकल को आसिकी से चिकित्सा करेंगे यार ठीक मेडिसिन अच्छी समाधान हो पारे निश्चय किंतु आदित्य आम आप देखुं कि जो मुख्य चिकित्सालय अच्छी जिला मुख्य चिकित्सालय अच्छी सेठार स्वतंत्र व्यवस्था कर संक्रमण संक्रमित मानी हाँ देखते सुधांशु नवरंगपुर जो मुख्य मेडिकल अच्छी संक्रमण दीर्घ किसी दिन पूर्वे जो दुई रु तीन जन आक्रांत होते से ट्रीटमेंट होता है स्वतंत्र जो टेस्टिंग टीम गोटे गठन करीटमेंट करपटे जो बर्तमान जो कह आज जो खबर अच्छी बर्तमान किसी समय पूर्वे आम नवरंगपुर सीडीएम सहित आलोचना करूँ आज पर्यटन जो रोगी मैंने से रोगी मैंने सुस्थ अच्छा बर्तमान सुधा कौन सी रोगी बाहरी ना जोटा कि टाइफस रोग से आक्रांत हवा निश्चय भाव में धन्यवाद देवी आदित्य आपंकर सूचना पर आदित्य साहू मस्त थे नवरंगपुर जिला प्रतिनिधि किभ भाव में जिला मुख्य चिकित्सालय व्यवस्था ग्रहण कर कारण जेहेतु नवरंगपुर जिले में जनक पर जन रोगी एभली आसुवर नजर आसूसी से स्क्रब टाइफस संक्रमित होवर खबर सामना को आसा गला तेणु जिला प्रशासन और जिला मुख्य चिकित्सालय ए दिगरे व्यवस्था ग्रहण कर कि भाव से चिकित्सा दि जापर ठीक भाव से दिगरे पदक्षेप ग्रहण कराफल अनेक रोगी सुस्थ हो वर्तमान घर को फेरबार सूचना दौले आम प्रतिनिधि आदित्य साहू मु पुणी फेरि मस्त अच्छा डॉक्टर सुब्रत कुमार माझी अच्छा आम सहित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माझी जहाँ कथा कहते आप पूर्व कि स्वतंत्र चिकित्सा प्रणाली अच्छी स्क्रब टाइफस रोगपाई जदि आमको से प्रणाली से ठीक मेडिसिन जदि आम न खाइबा से मेडिसिन जदि व्यवहार न करिबा तबे आम स्क्रब टाइफस रोगरु निजकु मुकुलेइ पारिबा नाही एटी गोटे कथा आसुची जो ट्रीटमेंट व्यवस्था आपण कहउछन्ती बा जो मेडिसिन व्यवस्था कहउछन्ती या पे स्वतंत्र कोन रहिछि व्यवस्था प्रथम कथा होछि तार स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तार कोन गल्ले से बैक्टीरियाटा मरिबो द्वितीय कथा होछि सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट माने जो ऑर्गन सिस्टम जो इन्वॉल्व होइ जाइथाय हार्ट इन्वॉल्व होइ जाइथाय लंग्स इन्वॉल्व होइ जाइथाय बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम टु आरंभ करि लिवर टु आरंभ करि ब्रेन टु आरंभ करि सब सिस्टम इन्वॉल्व होइ जाइथाय ताकु सपोर्ट देबा दरकार आ सहित स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दरकार जितेबाला आम जब इनिशियल फेज्र ट्रीटमेंट जब आम जाणीदेल आरंभ रही ज्वर परसिस्ट करुच्छे कि एरिया बर्तमान स्क्रब टाइफस टी बेसिक देखा जाए आम टे सस्पिशन कि हाइग्रेड फीवर सहित बॉडी पेन तर देह गोड़ हाथ काटू देह थरुची तहत हाइग्रेड फीवर रोचे नॉर्मल ज्वर पर जो आम मेडिसिन जहाँ भी दौ एंटीबायोटिक जहाँ भी नॉर्मल दूसरे रिस्पोंड करूँ नहीं कि ईशार फॉर्मेशन आम देखीदे आगुरी
ताकू देखी क्लिनिकली मैंने प्राय सस्पिशन कले सहित आम डायग्नोसीस कले आ पेसेंट सुस्थ अच्छे ज्वर कि आसूचे बट एकदम सब सिस्टम इनवल्व होकर पेसेंट बहुत सिक् हो जाए बर्तमान आईसीयू रही टाइम होना से कंडीशन में सिंपल चिकित्सा ताको ज्वर पर ज्वर मेडिसिन दिजा सहित एंटीबायोटिक दि जाए जो कमन एंटीबायोटिक जो प्राय आमको अवेलेबल हुए जमी डॉक्सीसाइक्लिन आजिथ्रोमाइसिन जब प्रॉपर डोज दि जाए से आम कह स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पाइले से ड्रामाटिक रेस्पॉन्ड करते आम जो कहूँ ड्रामाटिक रेस्पॉन्स मैंने 24 घंटा भितर पूरा प्राय चेंज हो जाती मैंने केते सीरियस थी रोगी भी 24 घंटा भितर प्राय इम्प्रूवमेंट मैंने शो करवा मैंने स्वास्थ्यावस्था उन्नत हो 24 घंटा भितर नजर आसी जाए इवन भेंटिलेटर थी पेसेंट भी उन्नत मैंने इम्प्रूव कर चिकित्सा प्रणाली जब ठीक हम ये स्क्रब टाइफस रोग निजी मुकुले पार्टी अति सहजे ये आउ गोटे कथ मन को आसूसी जदि आम जानूचे ये कीटटी कामुड़े आम देह संक्रमण होने स्क्रब टाइफस कथ आलोचना करुचे से भाई किसी पूर्व प्रिकसन नवर व्यवस्था जब किसी लोसन आम देह लगे किसी मेडिसीन आम खाई पूर्व जो जो अंचल ये स्क्रब टाइफस संक्रमित हो जदि किसी लोसन आम देह लगे किसी मेडिसीन खाई आम एभली कीट कामुड़े आम उपर इंपैक्ट पड़े ना से व्यवस्था अच्छी से मेडिसीन सुविधा अच्छी कि मैंने आम जब कह किा जेहेतु जंगल को गले हुए एमती ना कि मशा गुटा पलि आसम सहर भितर पशी जाऊँ बढ़ी जामती स्पेसीफिक से लार्भा गुटा जंगल एरिया भितर ही रहा पर्टिकुलाली से देखिए कि प्राय समस्त जंगल एरिया को जो मैंने जाते प्राय जनकर देखिए जो स्क्रब टाइप जो मैंने डायग्नोसीस होता है से आम डिटेल हिस्ट्री नौ रिसेंट पास्ट मैंने कहते हैं जितेबाला कि सपोज आज मतलब कीट कामुड़ा का ज्वर हो सिया नुह तार जो गोटे इनक्यूबेशन पीरियड था देह को गला से बैक्टेरिया देह बढ़ला देह तो तार इनक्यूबेशन पीरियड सप्ताह दु सप्ताह जाए से ग्रोथ हुए सिम्टम्स आसे अन एन एवरेज 10-12 दिन पा 8-10 दिन पाखापाखी पर सिम्टम गुड़ा शो कर आरंभ कै से स्टार फर्मेसन ज्वर भाई सब जिन से 10-12 दिन पाखापाखी लगे तो आम जब से आम जब डिटेल हिस्ट्री ना प्राय जनकर बहुत केसेस हिस्ट्री था रिसेंटली किसी गोटे कारण से जंगल एरिया जाते पिकनिक करने जाते कि किसी सर्वे जाते कि निजर प्रोफेशनल काम कि एंटरटेनमेंट कि पूरा फैमिली पिकनिक जो बुलाई जहाँ भी कारण किसी जंगल एरिया को जाकि आसते बहुत समय सेमती हिस्ट्री थाए और निज घर से एरिया होटा एनवायरमेंट रोचे आने से टाइप्र एक्सपोज होती तो तेणु जो मैंने जब बाहर से एरिया को जाऊँ कि से एरिया भी रोचे आम जंगल एरिया को जितने जाऊँ से जो चिगरटा जो आम कहूँ एत छोट आम जापर के देह को लगे किंतु से आपे आपे उड़ी उड़ी आम देह को आसवे आम से एरिया को गले ही लगे तेणु आम जो से जंगल एरिया को जाऊे जो एरिया को हो पाए अधिक चानसेस अधिक अच्छे तेल आम निजी किसी प्रिकसन्स नहीं पड़ो जमी फुल ड्रेस पिंधे पूरा देह को पूरा कभर कले जमी डायरेक्ट स्किन से इफेक्ट हमें आदि आम मैंने सुज पिंधे हाथ में ग्लोवस ग्लोवस पिंधे जब आम एमती नर्माल जाऊँ जमी निज सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं जब घन जंगल एरिया को जाऊँ सेल्फ प्रोटेक्शन नाटा दरकार जदि पूरा एरिया प्रोटेक्शन कर पार्न जो एरिया एक्सपोज एरिया रही गला से एरिया भी आमको इनफेक्ट इफेक्ट हो पाए तो से एक्सपोज एरिया को आम जी एंटीलाइस किसी लोसन गुड़ा थाए जो से ये प्रिभेन्ट करने लगे पार्टी जब आप सनस्क्रीन यूज करा फास्ट से यूज कर किसी मात्र ये लाभारू आम निजक बचे रखी पार कि ड्रेस तले यूज करें सपोज पूरा होल बॉडी कवर कर ड्रेस पिंधा दरकार न था ओनली एक्सपोज एरिया यूज कले निश्चय मुझे फिर पाक मोस्त बर्तमान अच्छा सुंदरगढ़ जिला बणईर प्रतिनिधि राकेश प्रधान मोस्त अच्छा राकेश देखा सुंदरगढ़ जिलार स्थिति बर्तमान कौन ये स्क्रब टाइफस को लेकिन कारण विशेषकर जहाँ खबर आसूँ बरगढ़ नवरंगपुर सुंदरगढ़ और केन्दुझर जिले में बर्तमान ये रोग अधिक मात्रा में संक्रमित होबार लगी स्क्रब टाइफस सुंदरगढ़ जिलार स्थिति कौन बर्तमान ये स्क्रब टाइफस को लेकिन हाँ सुधांशु देखो सारा राज्य में स्क्रब टाइफस रोग बढ़िवार लगता बेले सुंदरगढ़ जिले में व्यापार लगी डेंगू एपटे मेलेरिया रोगी अधिक रही बेले नुआ रोग को नहीं लोके चिंतित रही सुंदरगढ़ जिले में भयर वातावरण खेली सुंदरगढ़ जिलार विभिन्न अंचल आसुवा रोगी रोगी लक्षण को नजर करके जो राउरकेलार एवं सुंदरगढ़ सदर महकुमार दुईट परीक्षा सेंटर रही जनवरी रु सेप्टेम्बर 12 पर्यंत 670 रोगी रक्त नमूना संग्रह कर परीक्षा कर132 जन रोगी चिन्हट होता जमापड़ सुधांशु तेबे कौन सब व्यवस्था ग्रहण कर सुंदरगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय जदि कौन स्क्रब टाइफस रे संक्रमित होकर रोगी आसती कौन से रोगी ज्वर आसता हुए तो परवर्त समय स्क्रब टाइफस होइथिबार सूचना आसे से कौन व्यवस्था ग्रहण कर जिला मुख्य चिकित्सालय प्रति
सब डिविजन हो ब्लॉक मानक जो गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अच्छी से कौन सब व्यवस्था ग्रहण कर स्क्रब टाइफस रे संक्रमित होता रोगी मान चिकित्सा करने। हाँ सुधांशु देखो आम यही स्क्रब टाइफस रोग घटना को लेकिन आम जे जिला स्वास्थ्य अधिकारी रही सहित आम आलोचना करूँ से कहते आम सब चिकित्सालय जो ब्लक रही बणई सब डिजन कि वीरमित्रपुर राउरकेला सुंदरगढ़ जो भी सरकारी चिकित्सालय रही आम सब चिकित्सालय मेडिसिन जो स्क्रब टाइफस रोग रही से रोगर मेडिसिन आम पाखे मजबूत रही कि मात्र दुईट परीक्षा केन्द्र रही दुईट परीक्षा केन्द्र सबू जो भी लक्षण देखा जा ज्वर अधिक रोज पेट बथा रही निश्वास प्रश्वास नेबार असुविधा रही घटना को लेकिन से रक्त संग्रह राउरकेला सुंदरगढ़ को पठाई रक्त संग्रह करके आई परीक्षा टेस्ट है जना पड़ा रोगी को से हिसाब से आम चिकित्सा कर जिला स्वास्थ्य अधिकारी कि कौन सी चिकित्सालय सचेतना कराऊनी लोक सचेतन कराऊन जना पड़ी कौन सी ना कौन सी अवहेला रोकवा जना पड़ी भावुंत लोक से हिसाब से जिला प्रशासन सचेतन करी पारी नहीं एपे भी जदिओ ए रोग व्यापुची विशेषकर आपण भली कह नवरंगपुर बरगढ़ सुंदरगढ़ केन्दुझर यह सब जिले में वर्तमान यही स्क्रब टाइफस रोग व्यापुवार नजीर सामना को आसी तथापि आप कहते सुंदरगढ़ जिले में से भाई भाव में लोक वर्तमान समय सचेतन करना जिला प्रशासन तरफ। हाँ देखो सुधांशु जेहेतु बणई एक सुंदरगढ़ जिला एक अधिसूचित अंचल भाव चाष उपर लोक अधिक निर्भर करते जेहेतु अधिकांश लोक जंगल और चाष उपर निर्भर करते जो पोक रही स्क्रब टाइफस रोग रही कीड़ा जो कीड़ा काटू जंगल को गले कीड़ा काटू नजर को आस हिसाब से रोग बढ़िवार लगी सात आठ मास भर जो से उपर कौन सचेतन आखि दृष्टि पद तेणु आशा करवा बर्तमान जिला प्रशासन ए दिगरे प्राथमिकता दवा दरकार कारण गोटे पर गोटे रोगी जेहेतु आसुच्चे रोग से संक्रमित होकर तेणु आशा करवा जिला प्रशासन ए दिगक अधिक रु अधिक गुरुतर सह विचार को नहीं क्षेत्र में लोक मान सचेतन कर। धन्यवाद देवी राकेश आपंकर सविशेष सूचना आम सहित सुंदरगढ़ जिला बणई प्रतिनिधि राकेश प्रधान सूचना दूसरे कि भाव में समस्त व्यवस्था ग्रहण कर चिकित्सापी जदि कौन रोगी स्क्रब टाइफस संक्रमित हमें से चिकित्सापी समस्त व्यवस्था ग्रहण कर जो हिसाब से ये रोग बर्तमान व्यापुची दृष्टि रखी जो हिसाब से लोक सचेतन करने कथा से क्षेत्र में से भाई आखिदृष्टिया पदक्षेप जिला प्रशासन कहीं ना भाया मन हो प्रतिनिधि राकेश प्रधान सूचना दूसरे आशा करवा जिला प्रशासन एक क्षेत्र में गुरुत्व दब और लोक मूँ सचेतन कर। मोस्त अच्छा डॉक्टर सुब्रत कुमार माझी अच्छा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माझी आउ गोटे कथा मध्य मन को आसुची जदि जो मैंने जंगल को जाऊँच क्षेत्र में यही स्क्रब टाइफस रोग बेसी देखा दौर देहर जेहेतु ये टिंक मान लाभा लग जाफल स्क्रब टाइफस रोग होतु जहाँ तथ्य सामना को आसुचार बर्तमान ओडा देशर तीन नंबर स्थान अच्छी स्क्रब टाइफस जो मृत्यु को लेकिन आम हिसाब को ना तेरे बेसी छोट छोट पा क्षेत्र में यह रोग अधिक देखा दौर किंतु ये छोट पा क्षेत्र में ये रोग अधिक देखा जबार कारण कौन कारण तक देहर से क्षमता ना कौन सी रोग को सामना करने ना आउ किसी कारण रोच विशेषकर स्पेसीफिक खाली छुआ मान द्वारा ही सीरीयस हम कि एडल्ट मान हेनी स्पेसीफिक तार कौन कारण नहीं छुआ मान देह कहीं मोस्ट प्रोबेबली थे कि शिशु मैंने जेहतु देह इम्यूनिटी कम थाए कि जमाल जन एडल्ट जिते अधिक एक्सपोजर होता विभिन्न विभिन्न प्रकार एंटीजेन को देहर से इम्यूनिटी थाए शिशु मान देह से न थाए। सेकेंड हूँ शिशु मैंने से मानने टोलरेट कर पारे जदि सीभीयरीगला मैंने टोलरेट कर शिशु मान पक्षे कष्ट तेणु से देह चान्सेस अधिक होता है प्रथम कथ। द्वितीय हूँ आम के डायग्नोसीस कर पार्छ आम के शीघ्र तार रोग विषय में जानलु जानापर ताको ट्रीटमेंट के शीघ्र कलु छोट पा क्षेत्र में कौन सब जदि बड़ मान क्षेत्र में हुए तो किसी सामना कर पारे छोट पाई तुरंत केमी ट्रीटमेंट व्यवस्था कर क्षेत्र में ट्रीटमेंट हूँ सिंपल ट्रीटमेंट जोड़ा कि आम एनी गोटे सिंपल जो डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट भी अवेलेबल थाए इंजेक्शन भी मिले तार आजिथ्रोमाइसिन तो सब गाँ गाँव में सब मिले डॉक्सीसाइक्लिन सब जगह अवेलेबल ना भी आजिथ्रोमाइसिन तो सब जगह मिले इवन थंडा पाई भी छोट पा क्षेत्र में डॉक्टर माझी मोस्त बर्तमान अच्छा आम केन्दुझर जिला प्रतिनिधि संग्राम मिश्र मोस्त अच्छा संग्राम बर्तमान ये
स्क्रब टाइफस को लेकिन आलोचना करुचे ये रोग बर्तमान व्यापार लगी विशेषकर केन्दुझर बरगढ़ नवरंगपुर यू जिला मानक स्क्रब टाइफस को लेकिन केन्दुझर जिलार बर्तमान स्थित कौन अच्छी संग्राम देखो सर स्क्रब टाइफस एटा गोटे एमती रोग जहाद्वारा कि लोक को ज्वर हो तलपेट बता होर तो बड़ पहाड़ घेरा अंचल यही अंचल क्या कौन तब लोक मैंने सचेतन नुहत केन्दुझर जिले में कि प्रशासन द्वारा कौन सचेतनतार पदक्षेप भी नि जा विषय जमी डेंगू मेलेरिया आपंकर मड़ चलती स्क्रब टाइफस जो रोगटा सी बर्तमान डरवा को लगे आउ थे लोक सचेतन हो पारि नाहंती आपण कहउछंती ना लोक को सचेतन करा जाय नाही तो हेबे केमती तबे जिला चिकित्सालय रे केते दूर व्यवस्था ग्रहण करा जाउछि ए क्षेत्र जदि स्क्रब टाइफस रोग गुटिए परे गुटिए रोगी को सामना को आणुछि तबे जिला चिकित्सालय रे केते दूर व्यवस्था ग्रहण करा जायछि एभली रोगी को पई जो माने स्क्रब टाइफस रे संक्रमित होइथिबे से रोगी मान को चिकित्सा करिया पे केते दूर प्रस्तुत करा जाय छी स्वतंत्र व्यवस्था देखंतु सर मो कागत ये आपन झोपुरा तेलकोई बांसपा ते बण पहाड़ घेरा सेठी लोक मैंने एपर कि जो कहते हैं निजर भाषा भी ठीक से कही पार ना से सचेतनता करवा मुख्यतः हूँ प्रशासन कार्य कि स्वास्थ्य विभाग घर घर बुले सचेतन करा कथा किसी पदक्षेप ना लोक जानी तो नाइप पचारत आम मीडिया जानूचु केन्दर व्यापी कि बर्तमान पर्यटन कौन सी जिन खोला खोल किसी दुकान भी कर स्वास्थ्य विभाग बर्तमान के संक्रमित अच्छा केन्दुझर जिले में किसी तथ्य अपने तथ्य से बाहर को बाहर करू ही नमें यह विषय सीडीएम सहित कथी आज सका भी कथी किसी तेनाली कहता स्क्रब टाइफस रोग केन्दुझर जिले में व्यापी ना बोली सूचना दौरान सीडीएमओ सर धन्यवाद देवी संग्राम आपंकर सूचना संग्राम केशरी मिश्र आम सहित थे केन्दुझर जिला प्रतिनिधि कि कहते कि सीडीएमओ को जहाँ तथ्य रोचे जदि चर्चा बर्तमान होभिन्न तथ्य व रिपोर्ट कौन केन्दुझर जिले में स्क्रब टाइफस संक्रमण बढ़िवार लगी किंतु जहाँ आम प्रतिनिधि संग्राम केशरी मिश्र कहते सीडीएम को सह आलोचना करते कि कौन सी रोगी सामना को आसी ना से सूचना देखते मुझे फेर भी मो सह अच्छा डॉक्टर सुब्रत माझी अच्छा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माझी जो छोट पिला कथा मुझे आलोचना करुँ छोट पिला रोग व्यापू विशेषकर छोट पिला व्यापार कारण कौन जेहेतु बापा माँ मैंने जंगल जाऊँगी ए रोग व्यापू ना ये रोग व्यापार आउ किसी कारण अच्छी मैंने व्यापा तो सेमती से जो आमर से चिघर जोड़ा लार्भा कामुड़े से हुए हाँ। तो पिलाने जाते जंगल को जाते कि बुलवाई जाती कड़े इवन आमर जो बहुत गुड़ा जो आम उपात एरिया जो रिमोट एरिया से जो स्कूल गुड़ाक अच्छी स्कूल गुड़ाक पाखापाखी भी बहुत जंगल था पिलाने खरा छुट्टी समय घंटा खाइबा छुट्टी समय है कि स्कूल सरला जंगल होकर आसपाखि बुल था कि जो भी तो सीटा जितने हवा जो ताकि व्यापी था एटा खाली एति कण कि आम मेन एम हो जिते पिला बाहर को बाहर जो जगार स्प्रेड हो पर्टिकुलरली जंगल एरिया जोटा से एरिया रे आम व्यवस्था करवा देह पूरा कभर हो सो दैट पूरा फुल मैंने ड्रेस पिंधे जमी देह को डायरेक्ट स्किन टू स्किन कंटाक्ट हेनी मैंने स्किन डायरेक्ट सिगर आस आटाक कर द्वितीय कथा हूँ जदि ज्वर आसूसी सिंपल भाइराल इनफेक्शन भाविक आम मैंने नेग्लेक्ट नक निकट स्वास्थ्य केन्द्र को जातु से डाक्टर जानी था इशार परमेशन तार मान कौन कमी देखा क्लीनिकाल डिटेल क्लीनिकाल एक्जामेसन डाक्टर करेंगे बहुत समय रे जोटी आम डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नथिले भी क्लीनिकाल सिम्टम रू भी आम डाउट करी ट्रीटमेंट दि जाए बहुत जगह आम देखुचु पेरिफेरल एरिया रे जो जगह से डायग्नोस्टिक फैसिलिटी ना जो शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ नॉर्मल फिजिशियन हूँ जे सस्पेक्ट करुँच ना ये पे मोस्ट प्रोबेबली कारण क्लीनिकाल सिम्टम लगुच से कंडीशन रे टैबलेट जो ओराल मेडिसिन भी स्टार्ट कर दे था ताज कौन है कि जो डिजीज़ रो सीवियरिटी आउ बढ़े जितने तापर सस्पेक्ट कर मेडिसिन देकर से बड़ सहर को बड़ स्वास्थ्य केन्द्र को पठाते ताद्वारा कौन है स्वास्थ्य बड़ स्वास्थ्य केन्द्र को आसला बेलू जब ट्रीटमेंट पाइन तेल से स्थित जिते खराब कंडीशन थाए संगीन थाए से हुए नहीं अगर पिला जो ट्रीटमेंट पाई
कारण किसी तो पार्सल ट्रिटमेंट पाई था अदरवाइज जो पिलाने जैसे सीभीयर कंडीशन को जाते से बहुत समय आईसीयू में एडमिट करा पड़े भेन्टिलेटर भी दरकार पड़े हार्ट जेहतु हार्ट को भी एफेक्ट कर पाए लंग्स को भी एफेक्ट कर पाए ताजु हार्ट को एफेक्ट कला मेडिकेशन मैंने जो इंटेनसीव केयर जो दरकार से भी दरकार पड़ जाए किंतु आम जी क्लीनिकाली सस्पेक्ट करूँ डाक्तर परामर्श ठीक समय नौ कम से कम ओराल मेडिकेसन पाइले भी पार्टीवाटे मेडिसीन खाइले भी डिजीज्र सीभीयरीटी कमईदेव आउ आम पूर्व आम हो प्रिभेनसन प्रिभेनसन हूँ आम जो जंगल एरिया जाऊँ जो एरिया जब रोचु भी बाहर को बाहर बेल चेस्टा करवा जमी बडी एरिया जिते कम एक्सपोज हे जो एक्सपोज एरिया से एरिया को आम के कभर करवा कथा हूँ जेहतु आप कौन ये स्क्रब टाइफस रोग आगुरी आसूला ये कोरोना ये सब भितर ये हजि जाऊला ये रोग बास्तव में ये रोग जो आगुरी आपड़ कौन यार स्पेसीफिक से भाई किसी चिकित्सा व्यवस्था से भाई किसी प्रिभेनसन व्यवस्था आज पर्यटन सामना को अणा जा पारा ना कारण से विषय यहाँ एत कमन डीज नुह कि डेली मैंने डेली डेली आम देखु सीमती नुह आत ना से बट बहुत परिमाण में व्यापिला भी ना से एबे कौन जेहेतु चारिआड़ को व्यापिला सेकेंड हूँ आम डायग्नोसीस भी करूँ आम जानूचु ए विषय तो लोक आठ ताठ शुणी शुणी भी आम जापर चुमें ताजु आम अधिक अधिक जानूचु बट आम जो स्क्रब टाइफस चिकित्सा जो आम करूँ आम जानवा लास्ट सात आठ वर्ष करसु हाँ आगुरी बहुत परिमाण में ये रोग नाला ओडिशा बट यहाँ जो स्क्रब टाइफसटा मोस्टली आम एशिया बा दक्षिण एशिया बा दक्षिण पूर्व एशिया से एरिया देखा जाए इवन उत्तर ऑस्ट्रेलिया रे नॉर्थ नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया से एरिया रे भी देखा जाए तो आम इंडिया रे एटा थिला आगरु आम आगर जो अन्य स्टेट जो आम जितला बाहर स्टेट आम काम करथु से तोले बेसिक स्कोप टाइप से देखु तले ता चिकित्सा भी करथु बट अमाउंट बने से आपन बाबू जी वर्तमान जेतु रोग व्यापुची हुए तो आगामी समय रे साइंटिस्ट माने होंतु बा सरकार मध्ये ए दिगरे पदक्षेप ने स्वतंत्र कारण तार कोनोसी वैक्सीन नै तार कोनोसी टीका नै वैक्सीन दे दी ताको प्रिवेंट कर दबा सेमिति कोनसी वैक्सीन तार बाहर नै पर हो त आगामी दिन रे क्षेत्र रे पदक्षेप निया जाई परंता वैक्सीन कोनसी बाहरी पर जेतु रोग वर्तमान संक्रमित हो वर्तमान तार किसी वैक्सीन नै किंतु वर्तमान जेतु आपण कहउछंती सेते मात्रे रोगी बाहर नथिले बोली से हिसाब रे कोनसी वैक्सीन ए पर्यंत बाहर नै बहुत लोग रे बेबी कन्फ्यूजन अछि टाइफस आ टाइफॉइड भीतर कन्फ्यूज करछंती हां हां एबे भी स्क्रब टाइफस करे लोग भाउछंती टाइफॉइड कथा कहउ छी बट टाइफॉइड अलग टाइफस अलग ओके स्क्रब टाइफस अलग कारण सेटा उपर एते अवेयरनेस नथिला बर्तमान जो हिसाब से स्क्रब टाइफस संक्रमण बढ़ुची भावी आगामी दिन हुए तो यू नहीं कौन भैक्सीन निश्चय आशा कि जेहेतु गोटेपर गोटे नुआ रोग सामना को आसूरी वर्तमान समय जहाँ लोक मान आक्रांत करुच्छी आशा करवा एक क्षेत्र में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार गुरुत्व देवे एभली एक रोग रु कि लोक दूरे रखिपारे विभिन्न चिकित्सा समस्त व्यवस्था ग्रहण करने जो जो अंचल वर्तमान ये स्क्रब टाइफस रोग देखा दौर से क्षेत्र में जिला प्रशासन लोक मानू यथा समय पूर्व सचेतन करदेवार आवश्यकता रोचे एवं जहाँ कहते डॉक्टर माझी कि वर्तमान सुधा एक क्षेत्र में कौन वैक्सीन सामना को आसी ना हुए तो जेहेतु वर्तमान ये रोग दिन कु दिन व्यापुची आगामी दिन में हुए तो सरकार ए दिगरे पदक्षेप नहीं कौन वैक्सीन सामना को आनी पारती आशा करवा ए दिगरे सरकार गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करेंगे धन्यवाद देवी डॉक्टर माझी आपको आम सह रही है आशा करवा लोके सचेतन हूँ कारण कार्यक्रम मुख्य लक्ष्य थी लोके सचेतन हूँ जो हिसाब से स्क्रब टाइफस वर्तमान व्यापुची सुंदरगढ़ नवरंगपुर बरगढ़ एवं केन्दुझर जिले में लोके सचेतन हबार आवश्यकता रोचे और निजक कि भाव में ये लाभा बा ये टिंकर बा ये कीटठू दूरे रखिपारे से दिगरे पदक्षेप ग्रहण करवश्यकता रोचे एडसेस करुच आज टुडेज बिग न्यूज को नमस्कार।